सूरह नूर पारा नंबर 18 और आयत नंबर जो है वो है 55। अल्लाह ताला ने अहले ईमान दे नाल एक वादा फरमाया, और उदे वास्ते दो शर्तां रखियां ने कि एक ते वो साहिबे ईमान होंगे, दूसरा उन्होंने आमाल अल्लाह की मर्जी वाले होंगे, यानी सालेहुल आमाल, साहिबुल ईमान और सालेहुल आमाल। ये वादा ईमान वाले नाले बेईमान नाल नहीं। अल्लाह का यह वादा नेक अमाल करन वाले नाले, बद अमाल या बद किरदार लोगों नाल नहीं। वादा अल्लाह की जात का है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआत, कदे भी अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते। बंदियां दा अलबत्ता अपना किरदार है कि नमाजा भी पढ़ लो, रोजे भी रखो, हज भी कीते ने, दाड़ी भी है, तहज्जुद गुजार भी ने, वादा एक भी सच्चा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफक दियां तीन निशानियां बयान कीतियां, और जिदे विच तिन्ने निशानियां पाईयां जान बयक वक्त वो पक्का मुनाफक है, ला रही माफी इहदे विच कोई शक नहीं। चाहे वो शाह साहब हो या कोई हाजी साहब हो, चाहे मथे ते मेराब होवे, हाथ में तस्बीह होवे, बड़े अल्लाह अल्लाह करन वाले हो, अगर ये तीन निशानियां जो मेरे नबी सोने ने दसियां ने ये उहदे च पाईयां गईयां ने, ते कोई शक नहीं उहदे मुनाफक होण च। आयतुल मुनाफिकी सलासा, पहली निशानी ये है कि इज़ा हद्दसा काज़बा, जदों भी गल करे झूठी करे, झूठ बोले। दूसरी निशानी यह है कि इज़ा वादा अखलाफा, वादा करे तो पूरा ना करे। और तीसरी निशानी यह है कि इज़ा तोमिना खाना, जदों उहदे कोल अमानत रखी जाए उहदे विच खयानत करे। अमानत तो मुराद दुनिया का माल भी, दुनिया की कोई चीज भी हो सकती है, या कोई राज की बात। अगर कोई तुहानू अपना राजदार समझ के तुहाडे अगे करदा है, तुसीं उहनू मुश्तहर ना करो, मुआशरे विच फैलानी नहीं, बल्कि उसके राज नू अमानत दे तौर ते उहदी बात नू अमानत समझ के अपने कोल महफूज रखना। यानी अगर उसकी बात नू दूसरे तक पहुंचाएगा तो एक खयानत हो गई। या उसकी अमानत रखी गई कोई चीज है, जेवर है, रुपया पैसा है, तो उन्हें गसब कर जाता, या कुछ हिस्सा वापस नहीं लौटाता, तो यह भी खयानत। यह तीन चीजा जिस दे अंदर पाईया जान, भावें नमाजा पढ़ता हो, चाहे वह रोजेदार बड़ा पक्का हो, नफली रोजे भी नहीं छड़ता, कुरान की तिलावत बड़ी करता है, तस्बी दे मनके ते मनका, तस्बी फेरी ते दिल ना फेरिया, ते की लेना तस्बी फड़ के।
अगर ये तीन निशानियां अलामतां उहदे विच पाईआं गईआं ने इबादत चाहे कितनियां होण, अल्लाह दे रसूल दा यह फतवा है कि वह पक्का मुनाफिक। साडा हक बनता है कि असीं अपने अपने गिरेबान च निगाह डालीए और देखिए कि कितें इस मैरिट ते असीं ते नहीं पूरा उतर रहे।